हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम अभी जल्द ही होने वाला है, जिसमें हिंदी विषय की अच्छी खासी भूमिका है और हिंदी में अंक प्राप्त करने की संभावना अत्यधिक होती है। इन्हीं संभावनाओं को पूरा करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी में ये काफी ज्यादा आपकी सहायता करेगी। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे वर्ण हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन, इन्हीं के पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो कंप्लीट हमारे वर्ण को कितने होते हैं? तो हमारे ऑप्शन पे हम चलेंगे। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 46। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा कि हमारे पास 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे स्वर होते हैं, टोटल स्वर होते हैं 11, लेकिन स्वर में भी हमारे दो प्रकार के आ जाते हैं। एक होते हैं मूल स्वर, ठीक है, और दूसरे होते हैं दीर्घ, एक प्लुत स्वर भी आते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो बताना है, हमें बताना है कि हमारे पास मूल स्वर कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मूल कर लेंगे, हिंदी में मूल स्वरों के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो हमारे पास मूल स्वर वो होते हैं जो बिना किसी सहायता के कंप्लीट होते हैं, जिन्हें लिखने में और पढ़ने में किसी भी अन्य स्वर की सहायता नहीं दी जाती। तो हमारे पास मूल स्वर कितने होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। ठीक है, आपको बता देते हैं कि जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर हमारे चार कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला मूल स्वर होता है अ, दूसरा मूल स्वर होता है ई, तीसरा मूल स्वर होता है ऊ और चौथा मूल स्वर होता है री। ठीक है, तो ये चारों हमारे मूल स्वर में आते हैं, जिन्हें लिखने में किसी अन्य स्वर की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अहं क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अंग और अहं हमारे स्वर में पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में अंग और अहं क्या है ये आज समझेंगे। ठीक है, तो अंग और अहं, ठीक है, अंग और अहां क्या है? इनके ऑप्शन है कि ये अंग स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है या संयुक्ताक्षर है। ठीक है, तो स्वर में हम इनको नहीं रखते हैं। पहले समझते हैं कि स्वर और व्यंजन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वर्णमाला के भाग हैं। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर का मतलब होता है कि कोई भी व्यंजन या कोई भी स्वर जब दो स्वरों से या दो व्यंजनों से मिलकर बना हो तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है जी, तो स्वर हम समझते हैं जो किसी बिना सहायता के बोले जाए, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, बचता है अयोगवा। तो अंग और अहं हमारे होते हैं अयोगवा। ठीक है, अयोगवा जो शब्द नाम दिया गया इन अंग और अहं को, किसने दिया? ठीक है, अयोगवा जो शब्द नाम दिया था ये किसने दिया था? अयोगवा दिया गया था किशोरी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, नाम याद रखेंगे, किशोरी प्रसाद वाजपेयी, किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने अंग और अहां को स्वर या व्यंजन ना कह के क्या कहा था? अयोगवा कहा था। तो इसके लिए हमारा सही आंसर है अयोगवा। ठीक है, नाम याद रखेंगे, किशोरी प्रसाद वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद पाए गए। ठीक है, अब जैसा हम जानते हैं कि चाहे हम स्वर को हम बोलें या व्यंजन को हम बोलें, तो वहां पे हमारा क्या रहता है कि स्वर का उच्चारण हमारे या तो तालु से होगा, या मूर्धा से होगा, या कंठ से होगा, या फिर आपका गले से होगा। ठीक है, तो जीवा की स्थिति जो रहेगी कि कहीं पे टच कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके अनुसार हमारे जो स्वर है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के। ठीक है, तो आपका सही जवाब है
कि जो हमारे उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार। ठीक है जी, तो हमारा सही आंसर है 3, बी। ठीक है, अब समझ लेते हैं उच्चारण का आधार ये क्या कहना चाहता है। उच्चारण के आधार का मतलब होता है कि हमने किस स्वर को बोलने में कितना समय लिया। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, ठीक है, दूसरे होते हैं मध्य स्वर और तीसरे होते हैं पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाएं, मध्य स्वर जो जीभ के मध्य वाले हिस्से से बोले जाएं, और पश्च स्वर वो जो जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहेंगे कि अग्र स्वर हमारे कौन से हो गए। अग्र स्वर हमारे होते हैं ई, अग्र स्वर हमारे होते हैं ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक है, तो जब हम इन्हें बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा हमारा उठता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मध्य स्वर की। हमने मध्य स्वर में कहा कि मध्य स्वर वो हैं जो किससे बोले जा रहे हैं, हमारे जीभ के मध्य वाले भाग से बोले जा रहे हैं। तो ऐसा स्वर हमारा केवल कितना है, एक है, जो कि अ है। इनका काउंट भी हम याद रखेंगे, जैसे मैंने अग्र स्वर बताया तो अग्र स्वर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। मध्य स्वर हमारे कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, स्पष्ट स्वर की अगर मैं बात करूं तो स्पष्ट स्वर हमारा कितना, स्पष्ट स्वर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्पष्ट स्वर होते हैं 5। यानी कि इस 4 को और एक अ को छोड़ के बाकी जितने हमारे पास बचे, यानी कि जैसे हमारे पास बच गया ओ, उ, बड़ा उ, ओ और आ। ठीक है, ये 5ों हमारे क्या हो गए, स्पष्ट स्वर हो गए। तो 4 हमारे अग्र स्वर, 1 मध्य स्वर और 5 हमारे स्पष्ट स्वर। ठीक है, टोटल मिला के कितने हो गए हैं, 10 हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, अब समझते हैं कि पंचमाक्षर क्या है। पंचमाक्षर का मतलब होता है कि जहाँ पे ये खड़ी पाई होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं खड़ी पाई। ठीक है, तो इसके अनुसार जो हमारा क्या है, जो हमारी ये बिंदी आती है, ये किस तरफ लगी हो, हमारे राइट हैंड साइड की तरफ लगी है। तो जैसा हमें अक्षर मिलेगा, जैसे हमारे पास अंगा होता है तो बिंदी यहाँ होती है, तो खड़ी पाई के राइट साइड में आ गए, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसको पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, इनका जो आपका रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, इनका उच्चारण स्थान रहता है आपका अनुनासिक। ठीक है, अंगा हम क्या कहते हैं, अंगा, अनुनासिक इसका सही जवाब होगा। ठीक है जी, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ी पाई, हमारा अगला सवाल कहता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं कि जहां पे हमारी जो जीभ है वो ऊपर टकरा के और झटके से नीचे आ जाए, तालू से टकरा के झटके से नीचे आ जाए। ठीक है, ऐसे व्यंजन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, अब हम बोल के देखेंगे, श, स और श, इन तीनों में हमारी जीभ क्या रही, नीचे ही रही, य, र, ल, ऊपर टच हुई लेकिन झटके से नीचे नहीं गिरी, श, श्र और त्र, ठीक है, यहाँ पे भी झटके से नीचे नहीं गिरी है, आप इसको बोलेंगे ड और ड, दोनों में ही जो हमारी जीभ है ऊपर टच होती है और झटके से नीचे गिरती है। ठीक है, ऐसे व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त। पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी, तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्या, इसका हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ज्या, बहुत से लोग इसे ज्या कहते हैं, ज्या नहीं होता, ये गलत है, क्या होता है, ज्या होता है। तो ज्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना। ठीक है, तो ये एक क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक संयुक्ताक्षर है। ठीक है, यानी कि जो दो वर्णों के संयुक्त होने से बना हुआ एक नया व्यंजन है, वर्ण है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। ऐसे संयुक्ताक्षर हमारे पास 4 होते हैं, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखते हैं कि इसका सहयोग जो है, या इसके वर्णों का, कौन से वर्णों का सहयोग से हमारा ज शब्द, ज वर्ण बनता है। ठीक है, ज और इया, ज के साथ हलंत और इया, ज या इया के साथ हलंत, ज या इया,
दोनों में हल नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब इसका होगा वो होता है ये, जा और ई। जा के साथ हलंत आएगा और इया पूरा आएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम समझते हैं कि हम इसे क्या कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई हमने कोई एक शब्द लिख दिया और हमने उसको पढ़ा है क्या, हमने ज्ञानी लिखा जैसे। ठीक है, ठीक है, हमने क्या लिखा, ज्ञानी लिखा, तो हमने इसे क्या पढ़ लिया, ज्ञानी पढ़ लिया। लेकिन हमारा जो ये वाला वर्ण है ये ज और इया से है, तो ये तो ज्या हो गया ना, तो ये क्या बनता है फिर हमारा, ये ज्ञानी बनता है ना कि ज्ञानी बनता है। अक्सर हम इसे प्रोनाउंसिएशन इसका गलत करते हैं, ज्ञानी कभी नहीं होता, क्या होता है, ज्ञानी होता है। ठीक है, इसका संयोग की वजह से बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि यदि नीचे का होठ, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, कि यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। क्वेश्चन पे जाइएगा, ये कह रहे हैं कि यदि नीचे का होठ आपने पूरी तरह से काट दिया तो इन चारों में से कौन से ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। बोल के देखेंगे कि जहां पे आपके दोनों होठ क्या होते हो, मिलते हो, ऐसा ही कोई वर्ण होगा जहां पे वो होठ मिल देंगे और आप अगर नीचे का होठ नहीं है तो वो पूरा वर्ण आप नहीं बोल पाएंगे। तो आप बोल के देखेंगे कौन सा है, ल, ध, ब या ख। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपने ल बोला तो दोनों होठ खुले रहे, आपने ध बोला तो दोनों होठ खुले रहे, आपने ख बोला तो दोनों होठ इसमें भी खुले रहे, तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, ये तो कट गए, बचा क्या, ब। तो जब आप ब को बोलते हैं तो आपके दोनों होठ क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर एक होठ नहीं होगा तो फिर आपको कौन सा वर्ण बोलने में कठिनाई होगी, ब वर्ण बोलने में हमें कठिनाई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि अल्प प्राण क्या है। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जो हमारे श्वास है वो कम खर्च, श्वास क्या हो, कम खर्च हो, और ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के होते हैं। के साथ आप महाप्राण भी समझ लीजिए कि महाप्राण क्या होता है। महाप्राण का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जहां पे महाप्राण, महाप्राण ऐसे वर्ण होते हैं जहां पे जो श्वास है, जब हमने बोलेंगे तो श्वास हमारी क्या होगी, ज्यादा खर्च होगी। ठीक है, प्राण से ही मतलब समझिएगा कि अल्प मतलब कम, प्राण मतलब जीवन, तो प्राण हमारी क्या है, वायु। ठीक है, तो प्राण वायु के साथ इसको लिंक करके समझिएगा कि अल्प प्राण में कम श्वास और महाप्राण में श्वास ज्यादा। ठीक है, जब हम इन्हें बोलते हैं तो अब पहले ये देखते हैं कि भाई अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अ या अ, क, ग, ज, ध, प, ब। ठीक है, इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ कि जैसे हम अपना व्यंजन लिखते हैं तो आपने पढ़ा होगा, अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, वर्गीय व्यंजन हमारे कितने होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं हमारे 25, और वर्गीय व्यंजन को पढ़ने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हम ये क, ख, ग, घ और फिर उसके बाद हमारा ये। ठीक है, तो हम ये इसी पूरी रो के साथ जब हम अगली रो चलाएंगे तो ऐसे ही हमारा च, छ, ज, झ, ण, ये ऐसे ही रो चलती जाएगी, और हम इन रो को इस तरह से काउंट करते हैं कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से होंगे, अल्प प्राण में जिसमें कम वायु खर्च हो रही है तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, पूरा नीचे तक। ठीक है, तो ये हमारा प, ब और मा पे जाके खत्म होता है। ठीक है जी, तो हमारा जो ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो होती है पूरी पूरी पूरे वर्गीय व्यंजन की, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम अल्प प्राण कहते हैं। इसके साथ साथ अल्प प्राण में, अल्प प्राण में हमारे और भी अन्य वर्ण आ जाते हैं,
जैसे जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और अंगा और सभी स्वर, क्योंकि सभी स्वर को बोलने में हमारी जो प्राण वायु है, जो हमारी श्वास है, वो कम खर्च होती है। इस चीज को याद रखेंगे। याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वर्गीय व्यंजन आप पढ़िएगा। वर्गीय व्यंजन में आपको तीन चीजें याद रखनी है कि उसका फर्स्ट रो, थर्ड रो और फिफ्थ रो, ये तीन हमारे अल्प प्राण में आते हैं। बाकी बचा हुआ सेकेंड रो और फोर्थ रो, ये हमारा महाप्राण में आ जाता है, ठीक है, अंतस्थ और सभी स्वर, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? आपके अल्प प्राण में आते हैं। अभी आप इसमें से आराम से पहचान सकते हैं कि आपके अल्प प्राण कौन से हैं। अगर आप क और ग को देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड आ रहे हैं, अ और आ को देखेंगे तो फर्स्ट आपको पूरे सारे स्वर आ रहे हैं, या और धा को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, या आपका क्या है, अंतस्थ है लेकिन धा नहीं है, राइट, प और भा भी नहीं है। आपके आपके ये दोनों ऑप्शन आपके ठीक हो सकते हैं, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। अभी हमने बताया था अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, तो महाप्राण कौन से हो गए, जिनमें श्वास हमारा ज्यादा खर्च होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अब आप बताएंगे इसमें से महाप्राण ध्वनि हमारी कौन सी नहीं है, ठीक है, तो घ, झ और य, ठीक है। यहाँ पे भी आपका य तो आपका अल्प प्राण में आ जाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक हो सकता है, और का भी आपको किस में आता है, अल्पप्राण में, किस कॉन्सेप्ट के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। आप इसमें जैसे अब ये दो ऑप्शन ठीक आ रहे हैं, तो कभी कभी क्या आता है, आपको एक ई ऑप्शन मिलेगा और वो आपको कंफ्यूज करके देगा, ए या बी ठीक है, बी या सी ठीक है, ए या डी ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपको दो दो ऑप्शन की जानकारी होनी आवश्यक, ठीक है। चलिए तो क और या, ठीक है, तो ये आपके दोनों ही आपके क्या सही है, ये दोनों क्या नहीं है, महाप्राण ध्वनि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग और अहा को आयोग बाह किसने कहा था? आयोग बाह को हमने ऊपर डिस्कस किया था। आयोग बाह वो वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर है, ठीक है जी, और ना वो व्यंजन, तो जो स्वरों की सहायता भी करते हैं और व्यंजनों की सहायता भी करते हैं, ऐसे वर्णों को हम आयोग बाह कहते हैं। और इनको आयोग बाह की, अंग और अहा को आयोग बाह की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन कौन कौन से आपको नजर आ रहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी दास वाजपेयी, राजा लक्ष्मण सिंह, सूर्य प्रसाद मीणा। आंसर आपको क्लियरली पता होगा क्योंकि ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। हमारा कौन सा आंसर ठीक है? किशोरी दास वाजपेयी, ठीक है। चलिए, प्रसाद भी कहीं पे मिल सकता है आपको, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, ठीक है, लिखित इकाई पूछा गया है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या फिर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, ठीक है। बात करते हैं लिखित इकाई की, लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो लिखित इकाई को हम क्या कहेंगे? लिखित इकाई का मतलब आप ऑप्शन देखेंगे, ध्वनि कहेंगे, वर्ण कहेंगे, व्यंजन कहेंगे या फिर, ठीक है, ये भाषा की पूछ रहा है ना कि वर्णों की। तो व्यंजन और स्वर तो ऑप्शन रहने ही नहीं, बची ध्वनि और वर्ण। ध्वनि क्या होती है? जो ध्वनि वो होती है कि जो आपने बोला, किसी बात को आपने बोला, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्वनि तो दोनों में चल सकती है, आप किसी लिखी हुई चीज को बोल रहे हैं और किसी सुनी हुई चीज को बोल रहे हैं, तो ध्वनि का ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया, बचता है आपका वर्ण। तो सबसे छोटी लिखित इकाई आपकी क्या हो गई? अब पूछा जाता है कि सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक इकाई हमारी होती है अक्षर। मौखिक इकाई कौन सी होती है? अक्षर। अक्षर हमारी सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि स्वरों की संख्या कितनी। हमेशा किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आप क्वेश्चन को कम से कम दो बार पढ़िए, ठीक है। हम यही गलती कर देते हैं कई बार कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और सीधा हम किस पे आ गए, ऑप्शन पे आ गए, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना, हमें कम से कम क्वेश्चन को दो बार जरूर पढ़ना है कि इसने पूछा है कि स्वरों की संख्या कितनी है। अब देखो, हमने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था मूल स्वर, ठीक है, तो मूल स्वर हमारे कितने? चार, ठीक है। फिर हमारी बात आती है
जीवा के उच्चारण के अनुसार हमारे स्वरों की संख्या कितनी, वो कितनी आ जाती है, 10। अब ये कह रहे हैं कि स्वरों की संख्या कितनी, यानी कि इसमें यहाँ पे क्या पूछनी है, टोटल स्वर पूछनी है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैंने कहा 10 होती है हमारी उच्चारण के हिसाब से। जी बिल्कुल, उच्चारण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो स्वर होते हैं वो 10 होते हैं, उसमें से री जो होता है वो हमारा थोड़ा अपवाद में चला जाता है, क्योंकि इसमें हमारे दो चीजें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये वाला साउंड आता है तो इसको स्वर के उच्चारण में गड़बड़ आती है, गड़बड़ नहीं है लेकिन इसको रखते स्वर में है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, री है। तो उच्चारण के हिसाब से कितने, 10। मूल स्वर कितने, 4। टोटल स्वरों की संख्या कितनी होगी, ये आप ऑप्शन पे चलते हैं। अब हम अपने ऑप्शन पे जाएंगे कि 12 होगी, 11 होगी, 13 होगी या फिर 9। ठीक है, तो हमारे पास पता है जीवा के अनुसार 10, और इसको एक और मिला दिया तो कितने हो गए टोटल स्वर, 11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी, 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लोटनिक व्यंजन की संख्या कितनी है, ठीक है, अब समझिएगा, हमने खड़ी पाई समझा। ठीक है, खड़ी पाई क्या होती है कि भाई जो हमारे सारे वर्ण हैं आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं हमारे इसी से लिंक करते हैं। हमने मा बनाया तो ये हमारा खड़ी पाई के साथ लिंक कर गया, हमने का बनाया तो खड़ी पाई के साथ लिंक कर गया, तो हमने खा बनाया फिर खड़ी पाई आ गई। ठीक है, तो हमने खड़ी पाई तो डिस्कस की थी, अब बात आती है लोटनिक व्यंजन की। चलिए समझते हैं कि लोटनिक व्यंजन क्या होता है, कि जो खड़ी पाई है वो कंप्लीट ना करके अपने आप को कहीं पे अपना घुमावदार दे दे। ऐसे व्यंजन जो आगे कहीं अपने आप को कंप्लीट ना करके घूम गए हैं, ठीक है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, लोटनिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे कि लोटनिक व्यंजन हमारे कितने हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी खड़ी पाई होती है वो क्या कर दे, आगे की तरफ जाके घूम जाए, जस्ट लाइक दैट, है ना, ये ड में घूम गई, पूरी खड़ी पाई हमारी नहीं चली, ठीक है, ता में घूम गई, है ना, और ड में घूम गई। तो इसी तरह से हमारे टोटल लोटनिक व्यंजन कितने होते हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया ना किस तरह से आपको ऑप्शन पे जाना है, तो या तो ऑप्शन नंबर है 2, 22, 9 या 11। ठीक है, तो अगर हम पूरी वर्णमाला को देखेंगे तो पूरी वर्णमाला में हमारे पास लोटनिक व्यंजन कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल स्वर कौन से हैं, फिर से हमारा स्वर की बात आ गई, बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्वर, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इसने पूछा है मूल स्वर कौन से हैं, फिर से रिवाइज करो, तो स्वर कितने हमारे टोटल, 11, उच्चारण के बेस पे कितने, 10, और मूल स्वर कितने, 4। ठीक है, याद रहेगा ना, 11, 10, 4, ये स्वरों का ही अलग अलग बेस पे डिवीजन है। ठीक है, अब ये कह रहा है मूल स्वर कौन कौन से हैं। हमने मूल स्वर के बारे में एक बात आपको बताई थी कि मूल स्वर वो होते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, यानी कि अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, देखते हैं। अ, ई, इसमें केवल अ हमारा क्या है, मूल स्वर है। अब नेक्स्ट में चलते हैं तो ई और उ, तो ये तो अपने आप में संयुक्त हो गए, नहीं चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइएगा अ, ओ, उ, ई, इसमें ओ गड़बड़ कर गया, ओ हमारा क्या है, मूल स्वर में नहीं आता, दो स्वरों का जॉइंट है। ठीक है, जब हम ओ को लिखते हैं तो अ प्लस उ लिखते हैं, ठीक है जी, अ प्लस उ लिखते हैं तब हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ, ई, उ, री, एग्जैक्टली हमारा जो मूल स्वर है, अब चारों मूल स्वर इसी में आ गए, दिखाई दे रहा है ना, चारों मूल स्वर इसी में आ गए। अब आपका तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, अ कंप्लीट है, ई कंप्लीट है, उ कंप्लीट है और री कंप्लीट, चार मूल स्वर हमारे यही आ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सजातीय स्वर कौन से होते हैं, ठीक है, सजातीय स्वर क्या पूछ रहा है, सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वरों को पहचानने के से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्वरों के हमारे लिखने के अनुसार दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार, पहला तो सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। ठीक है जी,
सजातीय स्वरों की अगर मैं बात करूं तो सजातीय स्वर वो हैं जहां पे जो दो स्वर लिखे गए हैं एक नया स्वर बनाने के लिए, तो वो दोनों सेम हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है आ, मैंने क्या लिखा, आ लिखा, तो ये आ हमारा कैसे लिखा गया, अ प्लस आ लिखा गया, दोनों के साथ हमारा अ चला, तभी हमारा क्या बना, आ बना। लेकिन अगर मैंने लिखा ओ, ओ अगर मैंने लिखा तो मैं इसे ओ को कैसे लिखूंगी, अ प्लस उ लिखूंगी, तो ये तो अ अलग हो गया, उ अलग हो गया। तो जहां पे दोनों स्वर हमारे एक जैसे हों वो सजातीय हैं, और जहां पे दोनों स्वर हमारे अलग अलग हों उनको हम क्या कहते हैं, विजातीय। क्वेश्चन कहता है कि सजातीय स्वरों को पहचाने, ठीक है, आप आराम से पहचान सकते हैं। ऐसे कोई स्वर जो एक जैसे हमारे स्वरों से मिलकर बने। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं, हर एक ऑप्शन पे चेक करेंगे फटाफट। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपका एग्जाम है उसमें आपको हर क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देना, ठीक है। अगर आपने उससे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया तो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपका जो आंसर है में आपका टाइम कंज्यूमिंग आप उसको कर लेंगे और आगे के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। इनको कैसे करेंगे, आपने 2 बार क्वेश्चन को पढ़ा, आपने देख लिया सजातीय स्वर हमें बताना है, आपने लिखा अ तो मैंने अ प्लस अ कर दिया, ठीक है, यहीं के यहीं खत्म कीजिए। ई अपने आप में मूल स्वर है, उ उ को हमने कैसे लिखा, उ प्लस उ लिखा, लेकिन ई तो क्या है, मूल स्वर है, तो पहला ऑप्शन हमारा चला गया, आ ए और ओ, ठीक है। मैंने फिर से दोबारा से इसको किया, आ को पता है मैंने आ प्लस आ लिखा, ठीक है जी। फिर मैंने ए को देखा, ए को कैसे लिख दिया मैंने, ए को लिखा आ प्लस ई, तो ये तो विजातीय हो गया, ओ भी हमारा विजातीय है मैंने अभी बताया। फिर मैंने कहा, ये भी हमारा ऑप्शन निकल गया। फिर हमने कहा कि अ ई और उ, अब जब आ को लिखेंगे तो अ प्लस आ लिखेंगे, ठीक है जी, ये ई लिखेंगे तो ई प्लस ई लिखेंगे, उ लिखेंगे तो उ प्लस उ लिखेंगे, यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। इसको देख लीजिए, फिर से ए आ गया, ए के साथ तो हमारा ये ऑप्शन ऑलरेडी कट गया, तो सही आंसर हमारा क्या हुआ, आ ई उ हुआ, ठीक है। याद रखिएगा 30 सेकंड से ज्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा आपको वेस्ट टाइम नहीं करना। चलिए आज के लिए हम यहीं पर अपनी क्लास को खत्म करते हैं, अगली क्लास के लिए फिर से हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे और आपके प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और पढ़िएगा। फिर मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा और वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।